अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं जा रही थी पत्ता गोभी का भजिया बनाने। तो मैंने सोचा कि इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और झटपट से बन भी जाता है। तो चलिए फिर बिना देर किए बनाते हैं और आज की वीडियो को शुरू। मैं ले ली हूँ ये पत्ता गोभी और इसको देखिए अच्छे से एकदम बारीक में काट करके ली हूँ। काटने के बाद इसको 2 से 3 पानी अच्छे से धो करके और छन्नी की मदद से मैं इसका सारा पानी निकाल ली हूँ। तो आप भी जितना ज़्यादा हो सके इसमें से पानी निकाल देना। अगर इसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो जब आप इसमें बेसन मिलाएंगे तो बेसन एकदम गीला और चिपचिपा हो जाएगा, तो वैसा हमें नहीं करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके इसमें से पानी निकाल देना। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये 3 से 4 हरी मिर्ची मैं ली थी, इसको इस तरीके से काट ली हूँ। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। मिर्ची आपके ऊपर है, आप अगर तीखा कम खाते हैं तो कम डालना। इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और इसी के साथ डाल दूँगी नमक, तो ये भी मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। नमक भी कम डालना, आप ज़्यादा मत डाल देना क्योंकि बाद में ये इसमें ज़्यादा लगने लगता है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ बेसन। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, पहले इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत लगा तो ही इसमें पानी डालूंगी मैं, वरना नहीं डालूंगी। पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर होता है, तो पहले इसी तरीके से आप इसको मिक्स करना, अगर ज़रूरत लगे तो ही इसमें पानी डालना। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और इसमें मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मुझे पानी का ज़रूरत नहीं लगा कि मैं इसमें पानी डालूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था। मैं उसी से ये बेसन को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। आप भी पहले बेसन डाल करके इसी तरीके से मिक्स करना, अगर ज़रूरत लगे तो ही पानी डालना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं तेल गर्म होने रख दी थी, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें भजिया डालती हूँ। गैस को मीडियम आंच पे रखना और तेल को भी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये डालते के साथ ही जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। दूसरी बाजू पलट देते हैं इसको। अरे यार लाइट चले गई। तो ये देखिए अच्छे से भजिया फ्राई हो गए हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए तो ये देखिए मैं सारे ही भजिया बना ली हूँ और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से बने हैं ये। यहाँ पे मैं ले ली हूँ ये हरी मिर्ची। और मिर्ची जब भी डालना कट लगा करके डालना इसमें, वरना ये तेल में फटने लग जाता है।
बस ये हो गया, गैस में बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे गर्मा गर्म पत्ता गोभी के भजिए बन करके तैयार हो गए, और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप लोग ज़रूर बनाना एक बार इस तरीके से, और फिर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने कुरकुरे और मज़ेदार बने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अंदर से, ये देखिए। और सच में ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप लोग ज़रूर बनाना एक बार। और यहाँ पे मैंने ये थोड़े से मिर्ची भी फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं ले ली हूँ ये थोड़ा सा पुदीने का चटनी। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और आप लोग भी बनाइए एक बार इस तरीके से। तो चलिए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तभी के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।